मनीष गुप्ता संदिग्ध मौत के मामले में मीनाक्षी गुप्ता ने एक बार फिर केस गोरखपुर से ट्रांसफर करने की मांग की। साथ ही कहा उन्हें सीएम योगी पर भरोसा है लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों पर नहीं। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया था, मैंने जो बातें कही थी सही है। हर चीज में मुख्यमंत्री जी तो नहीं खड़े होते हैं ना, उनके नीचे के भी बहुत होते हैं और मुझे हाँ गोरखपुर पुलिस में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आजमगढ़ में रामलीला के मंच पर बार बालाओं के डांस को रोकना दारोगा को पड़ा भारी। आयोजकों के उकसाने पर मौजूद लोगों ने दारोगा और उसके पुलिसकर्मियों को दौड़ाया। किसी तरह पुलिसकर्मी ने भागकर बचाई अपनी जान। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को घटनास्थल लेकर पहुंची एसआईटी की टीम। क्राइम सीन का करवाया रिक्रिएशन। आशीष मिश्रा के साथ अन्य तीन आरोपी मौके पर रहे मौजूद। शाहजहांपुर में हुआ शहीद सारथ सिंह का अंतिम संस्कार। गांव के काफी लोगों की भीड़ रही मौजूद। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। शाहजहांपुर में पैतृक गांव अख्तियारपुर में शहीद सारथ सिंह के पार्थिव शरीर के लोगों ने किए अंतिम दर्शन। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद रहे। रुड़की के धनौरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद जवान सोनित सैनी के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक प्रदीप बत्रा और सुरेश राठौर भी मौजूद रहे। लखीमपुर कांड के आरोपियों से पुलिस लाइन में फिर से की गई पूछताछ। अंकित दास सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले प्रतीक और ड्राइवर शेखर से पूछे सवाल जवाब। बसपा सुप्रीमो मायावती का महंगाई को लेकर ट्वीट। कहा देश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं। केंद्र और सभी राज्य सरकारें जनता को राहत देने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाएं। सपा से गठबंधन को लेकर फिर बोले शिवपाल। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान कहा समाजवादी पार्टी हमारी प्राथमिकता। नेताजी से सभी को मनाना सीखा है तो सबको इकट्ठा करके अब कलयुगी सरकार कौन हो सकती है। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। यशपाल आर्य का भाजपा छोड़ने के बाद अब मंत्री पद के लिए दलित चेहरे की तलाश। खजान दास, विधायक चंदन राम दास और सुरेश राठौर के नाम की चर्चा। सुरेश राठौर मंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारी। कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार की बड़ी राहत। कोविड से जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद। परिवार को 50,000 रुपए देगी प्रदेश सरकार। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत स्थिर। दिल्ली के एम्स में इलाज जारी। पवार और गहलोत समेत कई नेताओं ने की स्वस्थ होने की कामना। दो दिन पहले ही उन्हें बुखार आया था जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें एडमिट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। ट्वीट कर लिखा मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने एम्स पहुंचे और उनका हालचाल लिया। गोरखपुर में महानवमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। सभी बच्चियों के पैर धोकर अपने हाथों से कराया भोजन। सीएम ने बच्चों को उपहार भी दिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नवरात्र की नवमी पर किया कन्या पूजन। विधि विधान से कन्याओं को कराया भोजन और उपहार बांटे।